सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज है हमारे नैनीताल ब्लॉग का डे टू। और जैसा कि आप लोगों ने पुराने वीडियो में देख ही लिया था कि हम लोगों ने डे वन में कहां कहां घूमा, जैसे कि मॉल रोड, केव गार्डन और नैना देवी टेम्पल, और साथ ही में नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील। और हम लोगों ने फर्स्ट डे में काफ़ी इंजॉय किया और उसके बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे। हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग उसके बाद फिर अपने होटल पर जाके स्टे किया रात में। और अब निकल पड़े हैं फिर से नए सफ़र की तरफ। और आज है नैनीताल ब्लॉग का डे टू। तो आज इस वीडियो में आपको दूंगा पूरे डे टू का पूरा एक वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम निकल चुके हैं सुबह के 9 बजे। और सबसे पहले हमारा जो व्यू पॉइंट है वो है ये सेंट जोसेफ चर्च, और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। तो चलिए गाइस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हसीन वादियों और पेड़ों के बीच में से जो धूप निकल रही है सुबह सुबह की, वो देखने में नज़ारा काफ़ी दिलकश और काफ़ी बेहतरीन था। और हम लोग यहाँ चल पड़े हैं अपने राजभवन की तरफ, जिसको हम गवर्नर हाउस भी बोलते हैं। तो सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर 1300 रुपये में टैक्सी बुक की थी। जो सेकेंड डे है उस दिन हम लोगों ने टैक्सी बुक की, और जो हमें वहाँ के आसपास के जितने भी व्यू पॉइंट होते हैं, जैसे लवर पॉइंट, सुसाइड पॉइंट और भी ढेर सारे पॉइंट, हिमालय व्यू पॉइंट, इस तरह के पॉइंट दिखाने के लिए टोटल 11 व्यू पॉइंट थे। तो हम लोगों ने 1300 रुपये में टैक्सी बुक की और हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पर अपने सारे व्यू पॉइंट देखने के लिए। तो उसी की शुरुआत करते हैं सेंट जोसेफ चर्च। और दूसरे नंबर पर है गाइस, ये है मेरे पीछे राजभवन, और आप देख ही सकते हैं इसका विशालकाय दृश्य। गाइस देखने में बहुत ही खूबसूरत और ये नज़ारा। तो आप लोग जब भी नैनीताल जाएं, तो वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर ऊंचाई पर ही बना है ये राजभवन। इसके अंदर जाना किसी के लिए अलाव नहीं है, तो इसलिए बाहर से ही आप फ़ोटो खींच सकते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड इसके अपने बेहतरीन है कि आपकी फ़ोटो बिल्कुल आपको हॉलीवुड मूवी का आपको यहाँ पर लुक दिखेगा। सो आप लोग जब भी यहाँ आए, यहाँ पर ढेर सारी फ़ोटो सेशन करें। सो हेलो एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा नेक्स्ट व्यू पॉइंट कौन सा है। तो जैसे ही जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मस्त यहाँ पर ठंडी हवा और सामने जो पहाड़ों का नज़ारा है वो देखने बहुत ही बेहतरीन, और आपका दिन एकदम खुश हो जाएगा गाइस। और हम लोग इस केव में जा रहे हैं और भाभी बात कर रही हैं घर पर, भैया आगे बैठे हैं ड्राइवर के साथ, और भैया यहाँ ब्लॉग बना रहे हैं अपना। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, इनका चैनल का नाम है ज्ञान शास्त्र दोहरे, सो सब्सक्राइब हिम। तो चलिए दोस्तों, और हम लोग यहाँ निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट व्यू पॉइंट है उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, और मैं आपको रास्ते में छोटे छोटे आपको दिखाता हूँ रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा है और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को सर्दियों में, स्पेशली जनवरी में, तो नैनीताल जाना ही चाहिए। और सिर्फ नैनीताल ही क्यों, मैं तो कहूँगा आप हिमाचल, कश्मीर और जितने भी ठंडी प्लेस हैं वो जनवरी में ज़रूर जाएँ। तो चलिए गाइस, ये आ चुके हैं हम दूसरे अपने व्यू पॉइंट की तरफ, और जो है एक्चुअली ये नैना देवी झील ही है जो हम लोगों ने डे वन में नीचे घूमी थी, पर आज हम लोग इसे ऊपर से देख रहे थे, जैसा कि आपने देखा वीडियो में। उसके बाद आ चुके हैं हम नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ, जो है हिमालय व्यू पॉइंट। वैसे तो आपको यहाँ पर खुली आँखों से ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आपको दिखेगा, पर काफ़ी सारे लोग इसको टेलीस्कोप के थ्रू भी देख रहे हैं, जिसको और करीब से उसे देखने का मौका मिले। बट क्योंकि हमारे पास तो सबके पास कैमरे आजकल इतने अच्छे होते ही हैं सभी के मोबाइल, सो हम लोगों ने फालतू अपने रुपए वेस्ट ना किए टेलीस्कोप में देखने के बजाय अपने मोबाइल में ही देखना ज़्यादा पसंद किया। सो गाइस, यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और आपकी आँखों को, दिल को बहाने वाला है। सामने खड़ा विशालकाय हिमालय, द ग्रेट हिमालय। सो गाइस, और आपको दिखाता हूँ यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा आसपास का। यहाँ ढेर सारी भीड़ आपको दिखेगी, और कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से गाइस यहाँ लगता है मेरा वीडियो यहाँ पॉज हो गया है। तो वीडियो बने रहिए आप, ये कुछ ही सेकंड का ये थोड़ा सा ये ब्लर हुआ है कुछ, सो आई थिंक ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद हम लोग कहाँ गए और हम लोगों ने कौन सा व्यू पॉइंट घूमा। तो चलिए, वीडियो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। जी हाँ दोस्तों, चलिए हमारी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई, और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर लवर पॉइंट पर। क्या बात है,
देखने में तो नज़ारे यहाँ कितने खूबसूरत हैं। मुझे तो एक्चुअली यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे, और इतने हरे भरे पहाड़, ऊपर नीला आसमान, और देखने में काफ़ी आपको ये आकर्षित लगने वाला ये दृश्य। सो गाइस, और इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे चल के हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये भी एक व्यू पॉइंट है, पर आई थिंक मैं उसका नाम भूल गया था, तो चलिए कोई बात नहीं। पर देखने में काफ़ी बेहतरीन, इतने सारे व्यू पॉइंट मैंने देखे, पर ये मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगा क्योंकि इसके सामने इतने सारे बादल जो दिख रहे हैं वो एक प्रकार से लग रहा है जैसे कोई समुद्र हो। और इसके बाद आ चुके हम अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ, जो है बॉटनिकल पार्क। और यहाँ पर आपको बॉटनिकल तरीके से ढेर सारे पेड़ पौधे जो नई नई प्रजाति है यहाँ पर आपको मिलेंगी। और यहाँ पर आपको ढेर सारे आपको पुराने जीव और पुरानी जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से म्यूज़ियम में रखी जाती हैं सजो कर, उसी प्रकार से यहाँ पर पेड़ पौधों को और ढेर सारे फूलों को सजो कर रखा गया है। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा ये गाइस। तो आप लोग जब भी नैनीताल घूमने जाएँ तो आप ये सारे जितने व्यू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर घूमने ज़रूर जाएँ गाइस, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ नैनीताल के नैना देवी झील ही घूम कर आ जाते हैं। सो आप थोड़ा सा रुपये खर्च कीजिए गाइस, पर आपको यहाँ देखने लायक चीज़ें काफ़ी सारी मिलेंगी। सो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर यहाँ के जितने व्यू पॉइंट हैं वो सारे ज़रूर देखें। सो गाइस, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें इतने नए नए प्रकार के पेड़ पौधे फूल और इतनी सारी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली इन सभी के बारे में। सो चलिए आपको दिखाते हैं आगे के व्यू पॉइंट, हम लोग कौन कौन सी जगह घूमे। इसके बाद हम चलते हैं तितली हाउस। ये गाइस है तितली हाउस, और इसके अंदर ढेर सारी पुराने ज़माने की या फिर जो प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं तितलियों की और कीड़े मकौड़ों की, उन सबको इसके अंदर सजो के रखा गया है। और चलिए आपको मैं इसके अंदर का एक नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि इसका नाम ही है इंसेक्ट म्यूज़ियम, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ढेर सारे इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकौड़े और साथ में तितलियाँ और भी कुछ प्रजातियाँ थी पक्षियों की या फिर कीड़े मकौड़ों की, वो सब इसके अंदर सजो के इस प्रकार से रखी गई हैं। आप देख सकते हैं गाइस, ये तीन प्रकार की तितलियाँ और बहुत प्रकार के इसमें कीड़े मकौड़े जो होते हैं, जो हम नॉर्मल लाइफ में तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ इसमें प्रजातियाँ इंटरनेशनल भी हैं और कुछ हमारे भारत के ही काफ़ी सारे राज्यों की हैं। सो चलिए, बहुत अच्छी एक जगह मुझे लगी, इतने सारे व्यू पॉइंट में हमें कोई नॉलेज मिली इसके थ्रू, काफ़ी देख कर इन चीज़ों को, और काफ़ी विलुप्त हो रही प्रजातियों को भी हमने देखा और हमें उन्हें देखने का मौका मिला, तो बहुत ही बेहतरीन मुझे यहाँ पर लगा। सो गाइस, चलिए इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि हम लोग कौन से व्यू पॉइंट पर गए। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। और मेरे भैया का चैनल है ज्ञान शास्त्र दोहरे, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे भांजे का चैनल है हर्ष रॉक 7296, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए आपको दिखाते हैं इसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करके एक जगह है, उसके अंदर एक कांच का बड़ा सा घर बना है जिसके अंदर इतनी गर्माहट थी गाइस के इतनी सर्दी में भी उसके अंदर हमें काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा था, 40-50 डिग्री का लगभग इतना टेम्परेचर था, जिसकी वजह से ये पेड़ पौधे, क्योंकि ये सारे राजस्थानी मतलब रेगिस्तानी इलाके वाले पेड़ पौधे थे, कैक्टस वगैरह, और इन लोगों को हीट की ज़रूरत होती है, तो उसी के डिज़ाइन के अनुसार इसे बनाया गया है। और इसके अंदर एक बार धूप आ जाती है तो फिर वो जाती नहीं है। और ये हमारा साथ लास्ट व्यू पॉइंट है, जो है यहाँ का बेहतरीन एक झरना, और इसका पानी बहुत ठंडा है गाइस। आई थिंक आज के हमारे इतने ही व्यू पॉइंट थे गाइस, तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए टूर, एक नए सफ़र के साथ।